तो उसे यह मालूम चला महादेव वर्मा को कि वो जैसे कि लहरी उसके पास वायर मेज के पास आकर खेलती थी सर, जो विंडो है तो वहां पर सब खेलती थी, तो गिलहरी जो गीलू है वो विंडो के नजदीक बैठ करके और बाहर की दुनिया को बहुत ही अफेक्शनेटली तरीके से देखता था, टकटक लगा दिखता था, प्यार से देखता था। मेड मी रियलाइज डेट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, तो मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि यह नेसेसरी था कि उसको मतलब क्या किया जाए, इसको फ्री किया जाए। इसमें बात यह लिखा गया है कि गीलू जो है वो वायर मेस विंडो जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे वो बैठ करके वह बाहर की दुनिया को देखता, तो बाहर की दुनिया में देखता तो वहाँ पे बहुत सारी दूसरी गिलहरियाँ आकर के खेलती थी नज़दीक में ही, तो उसको भी मन होता है कि मैं भी अपनी गिलहरियों जो है वहाँ पे लोग है दूसरे मतलब अपने परिवार के साथ जाकर, परिवार तो है नहीं मतलब कि उनकी जाति के लोगों के साथ जाकर वो खेलता वो भी बाहर जा करके, लेकिन वो तो बंद था वहाँ पे। इसलिए महादेव वर्मा को ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इसको फ्री करना चाहिए। तो आगे लिखती है, बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल्स को वहाँ से रिमूव करके जाली को काट करके जाली निकाल में से कुछ जो तार है उसको निकाल करके, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस, वायर मेस के कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा ओपनिंग बनाया, एक छोटा सा जगह बनाया, रास्ता बनाया ताकि वहां से वो बाहर निकल सके और अंदर आ सके। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिलू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और बाहर जा करके बाहर जाने में सक्षम हो करके इस ओपनिंग के द्वारा गिलू बहुत ही खुश था स्वतंत्र होकर के। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के कारण माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरा रूम मेरे अनुपस्थिति में अक्सर बंद हुआ करता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न, और उस समय जब मेरे वापस आने पे रूम को खोला जाता था कॉलेज से आने के बाद, आई स्टेप्ड इन, जब मैं अंदर जाती मैं अंदर कदम बढ़ाती अपने रूम में जाती जाती थी, गीलू उड रश ऑन टू मी, गीलू मेरे ऊपर मतलब कि दौड़ कर चढ़ करके आता था, एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और वह मेरे टो से टो सिर से पाँव तक वह ऊपर चढ़ता और उतरता था, कभी सिर से नीचे की तरफ जाएगा पाँव तक, पैरों की उंगलियों तक, और फिर पैरों की उंगलियों से फिर ऊपर की तरफ जाते हुए फिर सीट पर जाएगा फिर नीचे उतरेगा, ऐसा वो करता था। सिंस देन, तब से दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, तब से यह उसका रेगुलर प्रैक्टिस बन चुका था कि वह मेरे पैरों से होकर के सीट पर चढ़ेगा ऊपर की तरफ और फिर ऊपर से फिर मैं नीचे तक आएगा। ऑन माई लीविंग द रूम, रूम को छोड़ने पर गीली वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो, गीलू भी जब मैं रूम को छोड़ती थी कि बता रही है कि मेरे रूम के छोड़ने पर गीलू भी विंडो के वायर मेस ओपनिंग के द्वारा वो भी अब एग्जिट कर लेता था, एग्जिट मतलब कि वो भी बाहर चला जाता था, यानी कि मैं जब अंदर आई तो वो अंदर आया और जब मैं बाहर गई तो बाहर गया, ऐसे ही होता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विद हिज लॉट, वह पूरे दिन अपने लॉट के साथ बिताता था, खेलने में कूदने में, जंपिंग प्रांसिंग अप डाउन द ब्रांचेज, शाखाओं पे बगल में पेड़ होता तो उसी पेड़ पे कूदने इधर कूदने फांदे में खेलने में वो पूरा पूरा दिन अपने साथी गिलहरी के साथ वो बिताता था, अपने समूह के गिलहरियों के साथ। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं, पक्षियां हैं, और सभी के सभी मेरे बहुत शौकीन हैं, यानी कि सभी जो है महादेव वर्मा को प्यार करते थे। बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उनमें से कोई डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत की हो। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, गिलू एक अपवाद था, गिलू के पास हिम्मत थी। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, और उस क्षण जब मैं डाइनिंग रूम में जाती थी पहुंचती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वह विंडो से फिर आ जाता था क्योंकि विंडो से तो जगह बन गया था आने जाने का, एक छोटा सा ओपनिंग बन गया था, तो विंडो से वो उसको मालूम होता था कि कब डाइनिंग टेबल पे वो जा रही है
महादेव वर्मा खाने के लिए, तो वो डाइनिंग रूम में जब वो जाती है तो वो भी वहां पे आ जाता। क्रॉस ओवर द कंट्री यार्ड वॉल कोर्ट यार्ड वॉल, यानी कि आंगन के दीवार को पार करते हुए एंड द बरांडा, बरांडा को पार करते हुए रीच द टेबल, वो टेबल पे पहुंच जाता था। वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठने की कोशिश करता था, बैठना चाहता था वो। विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही कठिनाई के साथ, आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया, टू सिट क्लोज टू माय प्लेट, मेरे प्लेट के नजदीक बैठने के लिए। हिज फेवरेट फूड वेयर ही वुड डेक्सटरसली ईट ईच ग्रेन ऑफ राइस, वो उसका फेवरेट फूड जो था ना वो काजू था। ओके, तो वो फेवरेट फूड ही खाता, वो कोई दूसरा फूड नहीं खा पाता था, तो अपने फेवरेट फूड को छोड़ करके वो किसी दूसरे फूड को खाना पसंद नहीं करता था। तो जब वो महादेव वर्मा के प्लेट के पास बैठता तो वो अपनी फेवरेट फूड तो काजू था, लेकिन वो चावल के दाना जो था उसको, प्रत्येक चावल के दाने को वह दक्षतापूर्ण यानी अच्छे तरीके से उसको उठा उठा कर खाता था, जैसे मानो कि वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो चावल के दाने उठा खाने में बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। ही फेवरेट फूड वाज काजू, उसका फेवरेट फूड काजू था, वैसे तो पहले ही बता दिया मैं आपको। When not available for several days, और जब कभी बहुत दिनों तक available नहीं होता था, he would refuse other food items, वो दूसरे food item को refuse कर देता था, नहीं खाता था उसको। Threw them down from the swing, और जो झूला लगाया गया था उससे वो नीचे फेंक गया। झूला कहने का मतलब यह है कि जो डलिया था जिसमें कि वो रहता था उसी में खाना दी जाती थी खाने के लिए, तो दूसरा food item दे दो तो वो नहीं खाता था, उसे उस डलिया से नीचे फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम बींग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, महादेव बताती है कि उस समय की बात है जब मैं मोटर कार एक्सीडेंट हो गया था, मुझे मैं उसमें घायल हो गई थी। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था, कुछ दिन। दोज डेज उन दिनों, वेयर एवर माई रूम वॉज ओपन, यानी कि वेन एवर यहाँ पे होना चाहिए, वेयर एवर लिखा हुआ है। वैसे जब कभी भी मेरा रूम खुलता था, खोला जाता था, गीलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गीलू अपने स्विंग से तेजी से नीचे आता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देख करके, ही वुड विद द सेम एलक्रिटी सेटल बैक टू हिज इन हिज नेस्ट, वह उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो आता था फिर उसी स्फूर्ति से फिर वो क्या होता था कि वापस चला जाता था अपने नेस्ट में। अगर महादेवी वर्मा को वहां नहीं देखता था, किसी और को देखता था, तो एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सभी लोगों ने उन्हें काजू ऑफर किया। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैंने उसके स्विंग को साफ किया मेरे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, मैंने पाया कि यह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, जो कि यह शो करता है, प्रदर्शित करता है कि कितना कम वो खाया था अपने फूड फेवरेट फूड आइटम को। फेवरेट फूड उसका आइटम था काजू, मतलब कि पसंदीदा खाना को उसने खाया ही नहीं था दो दिन उन दिनों। इससे यह मालूम चलता है कि गीलू महादेवी वर्मा को बहुत ही प्यार करता था, और जब महादेवी वर्मा नहीं थी, वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो उन दिनों अपने फेवरेट फूड आइटम को भी उसने नहीं खाया हुआ था उनके एब्सेंस में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मेरी बीमारी की अवस्था के दौरान, जो जितना दिन बीमार रही वो, ही वुड सीट नियर माई हेड ऑन माई पिल्लो, वो मेरे पिल्लो पे मेरे सिर के नजदीक आकर के बैठता। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोर हेड एंड हेयर, और बहुत ही प्यार से मेरे ललाट को और बालों को वो क्या करता, उसको सहलाता। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और वो ऐसे मूव करता अपने पंजों से जैसे कि एक नर्स और अटेंडेंट करती है, जैसे लोग
के बालों को सहलाते हैं, फिर बालों में उंगली करते हैं या फिर उसके लाट पे हाथ फेरते हैं, जैसे एक अटेंडेंट कह सकते हो, नर्स कह सकते हो, सेवक जैसा काम करता है, उस तरीके से वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था एक इंसान के भांति। When I used to work during summer afternoons, और जब मैं समर आफ्टरनून गर्मी के दिन जो होते उसके दोपहर के बाद के दौरान जब मैं काम करती थी, गीलू वुड अबस्टेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गीलू बाहर जाने से हिचकता था, वो बाहर नहीं जाता था, और सीटिंग इन हिज स्विंग अपने और ना ही वो अपने स्विंग में बैठता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वो अपने आप को मेरे नजदीक रखने के लिए, ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और समर हीट को टैकल करने के लिए उसका उसको सामना करने के लिए, यानी कि गर्मियों कम करने के लिए खुद, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, उसने एक बिल्कुल ही नया तरीका अपना लिया था, एक नया तरीका खोज लिया था समर हीट को टैकल करने के लिए। ही वुड लाई पोस्ट्रेट ऑन द सुराही किप नियर मी, आगे लिखती है कि वह मेरे नजदीक रखे हुए सुराही पे पोस्ट्रेट लाई कर जाता था। पोस्ट्रेट कहने का मतलब यह है कि अपने पेट और छाती के बल सुराही पे चिपक जाता था, उस पे लेटा हुआ होता था। एंड दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी एज वेल एज बी कूल, तो इस तरीके से वो दोनों होता था, वो ठंडा भी रहता था और मेरे पास भी रहता था, तो दोनों मिल जाता था उसको। वैसे महादेव वर्मा को बहुत प्यार करता था, तो उसके पास रहने का तरीका यही है कि जो गर्मी भी लग रही थी, तो गर्मी लग रही थी तो क्या करता है कि सुराही ठंडा होता है तो सुराही के ऊपर वो चिपक के ऐसे सो जाता था। इस तरीके से वो महादेव वर्मा के पास भी रहता और ठंडा भी रहता, यही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 ईयर्स, आगे बता रहे हैं महादेव वर्मा, गिलहरियों का जीवन काल जो होता है वो लगभग 2 साल का होता है, मुश्किल से 2 साल का ही होता है। एज सच गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, तो गिलू की लाइफ जो है वो अब खत्म होने के कगार पे आ गई, अब वो खत्म हो गई। फॉर होल डे, पूरे दिन तक ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही मतलब बाहर जाने की हिम्मत की। इन द नाइट, रात में, इवन विद पेन ऑफ गोइंग अवे, और रात में दर्द होना शुरू हो गया, ही केम टू माई बेड, वह मेरे बेड के नजदीक आया, फ्रॉम द स्विंग झूले से, एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और वह मेरे उसी फिंगर को पकड़ा, सेम फिंगर को पकड़ा अपने ठंडे क्लॉज से, अपने ठंडे पंजे से, विच ही हैड क्लंग टू, जिसको उसने बहुत पहले पकड़ा हुआ था। शुरू शुरू में जब महादेव वर्मा आए थे तो वो पकड़ा हुआ था उसके हाथों को, जब अच्छा हुआ था तो 2-3 दिन के बाद तो उस उंगली को ही पकड़ा अभी भी जब वो मरने वाला था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, यानी कि ये बता रहे हैं कि जब अपने नेटल डेज यानी बचपन के दौरान जब वो मरने की अवस्था में था और उसने मेरी जिस उंगली को पकड़ा हुआ था, फिर उसी उंगली को अभी भी 2 साल के बाद जब मरने वाला है तो उसको पकड़ता है। द क्लॉज वी आर गेटिंग सो कोल्ड डेट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, और जो उसके पंजे थे वो इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर चालू कर दी। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की, बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टचड हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सुबह की किरण उसे छुई, पहली किरण उसे छुई, वो डिपार्ट कर गया, यानी कि वो गुजर गया। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक से उसकी झूले को नीचे उतार लिया गया। एंड ओपनिंग मेड इन वायरमेस विंडो वाज क्लोज, और जो ओपनिंग बनाई गई थी विंडो में वो बंद कर दी गई, जो खिड़की में ओपनिंग बनाई गई थी, जो दरवाजा बनाया गया था जिससे वो निकलता था, उसको बंद कर दी गई वायरमेस में। गिलू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर। गिलू को सोनजूही क्रीपर के नीचे इटर्नल लेफ्ट दे दी गई, यानी कि वहां पे उसको दफना दी गई। बोथ, दोनों, बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीप
दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस क्रीपर को सबसे अधिक प्यार करता था, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन के कारण भी आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ, मतलब कि मैं अपने विश्वास से ये पाई, मतलब कि वो मतलब उसको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि यही वो फरे मैं गलत बता दिया, आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ डैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग। तो वो उसको लगा कि उसको सेटिस्फैक्शन हुआ महादेव वर्मा को, अगर मैं यहाँ पे दफना देती हूँ और जो सुनजूही का लत्ता है, सुनजूही के लत्ता पे अगर मैं उसको दफना देती हूँ तो हो सकता है कि किसी किसी दिन किसी मतलब स्प्रिंग डे में जब बसंत का ऋतु आएगा तो उस समय यह फ्लावर के रूप में उसे फिर पालेंगे, यानी कि जो गीलू है उसमें से फिर फ्लावर